हेलो गाइस, आ गए हैं एक और न्यू हाईलाइट लेकर। अभी की हाईलाइट निकल के आ रही है टपाटप टीडीएम टूर्नामेंट के अंदर से। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे टीम डेंजर वर्सेस टीम इनकॉग्निटो के बीच टीडीएम बैटल टूर्नामेंट मैच हुआ। इस मैच का परिणाम क्या हुआ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एम्पायर का भी साथ उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है इनकॉग्निटो को, लेकिन जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर मिली है, देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे 2-1 का स्कोर है और चैलेंज यहाँ पर दिया जाता है नो डाउट, लेकिन क्या कितनी अच्छी लीड के साथ वो जीत दर्ज करे, क्योंकि अभी तक का अगर देखा जाए जो मैसिव स्कोर रहा है, डिफरेंस हो रहा है बिटवीन टीम सेल्स वर्सेस टीम स्टालवर्ट एस्पोर्ट्स, तो एक 17 पॉइंट के मार्जिन से वहां पर जीत दर्ज करी थी। तो 17 पॉइंट्स की जो मार्जिन थी वो यहाँ पर दर्ज की गई थी, बट उसी के साथ इनकॉग्निटो की टीम भी कांटे की टक्कर की फाइट यहाँ देती हुई दिख रही है। और एस पावर अपने 6x का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार हेडशॉट पर हेडशॉट लिए चले जा रहे हैं और अब 3 पॉइंट्स का लीड डेंजर की टीम ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है। मिड एरिया पर यहाँ पर वेयर हाउसेस के अंदर नजर आ जाएंगे, बैक टू बैक प्लेयर्स को डैमेज देने की कोशिश, वैम्पायर के करीब आएंगे और एक वापस हेडशॉट। ये जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बार बार हेडशॉट सुनने का, ये काफी ज्यादा मजेदार है और एस पावर की वेस्ट काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़कर दोनों ही प्लेयर से फाइट लेना चाहते हैं, बट इन्हें पता है कि आगे बढ़ना काफी रिस्की रहेगा और एक बढ़िया पोजीशन से स्प्रे लेते हुए, बट सामने से जो रिफ्लेक्सेस आए हैं, सामने से जो काउंटर स्प्रेज आए हैं वो भी काफी शानदार थे, जिस तरफ से उन्हें एस पावर को भी डाउन कर दिया गया। तो अब ये 4-7 का आंकड़ा हमें देखने को मिल जाएगा स्कोरबोर्ड पे और लेट्स सी ये आंकड़ा कहां तक जाता है, टीम्स यहां कितना लीड क्रिएट कर पाती है। देखिए किसी से कम नहीं यहां पर इनकॉग्निटो की लीड, जैसे हम बोल रहे हैं 7-5 का स्कोर, साफ जाहिर जा रहा है कि एक तरफा मुकाबला नहीं जा रहा है। एस पावर है तो कोशिश वो जरूर करें कि लीड को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाए। वैम्पायर यहाँ पर फंस चुके थे, डेंजर एस पावर एक साथ यहाँ पर उनके सामने स्लैम इन डालते हैं, एक साथ वो क्रिएट करते हैं एंड हल्का सा पीक जरूर आया था वहां पर इनकॉग्निटो की तरफ से, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई उनको यहाँ पर, सफलता नहीं मिल पाई। बट उसी के साथ एस पावर ये लगातार स्प्रेज ले रहे हैं, बिल्कुल उन छोटे छोटे ओपनिंग्स के थ्रू वो काफी ज्यादा शानदार है और अभी भी लीड बढ़ती चली जा रही है। 6 पॉइंट्स की लीड यार निकाल चुके हैं, डेंजर आगे बढ़ेंगे, एक ऑफ गार्ड एंगल से पकड़ेंगे प्लेयर्स को, डैमेज देंगे और फिनिश ऑफ भी कर जाएंगे। दूसरी तरफ से एस पावर वो ट्रेड लेते हुए नजर आएंगे, डैमेज तो यहाँ पर जरूर से डेंजर ने दिया था बट एस पावर उसका फायदा उठाकर जाते हुए, तो वही डिस्ट्रैक्शन वाली स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जा रही है यहाँ पर, जो सेम तरीके से पिछले कुछ मैचेस में हमें देखने को मिली थी वही सेम स्ट्रैटेजीज यहाँ भी अपनाई जा रही है। 7 पॉइंट का लीड यहाँ डेंजर की टीम क्रिएट कर चुकी है, तो सपोर्टर्स अब बारी आपकी है, स्पैम करते चले जाइए यहाँ डेंजर ओपी, करते चले जाइए इनकॉग्निटो ओपी, करते चले जाइए क्योंकि आपकी फेवरेट टीम्स बिल्कुल आज आप सभी के सामने यहाँ परफॉर्म करती हुई दिख रही है टीडीएम बैटल में, टपाटप टीडीएम बैटल में। तो गाइस बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए और ये मैच तो अभी तक काफी रोमांचक रहा है, काफी रोमांचक मैच यहाँ जा रहा है, बट 8 पॉइंट का लीड है, कवर अप कर पाना इनकॉग्निटो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा और जो बैक टू बैक फिनिशेस निकाले जा रहे हैं वो और भी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। शुरुआत अच्छी रही थी, 7-5 का हमें स्कोर देखने मिला था, ज्यादा बड़ी लीड नहीं ली थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से ना गेयर चेंज हो चुका है। पहला गेयर के बाद दूसरा गेयर जरूर लगाया गया था, लेकिन इस बार डायरेक्टली 5th गेयर पे शिफ्ट कर चुके हैं एंड एस पावर और डेंजर आई गेस रुकने का नाम नहीं देंगे। अभी की अगर बात की जाए कितने फिनिश यहाँ पर निकाल चुके, तो एस पावर 12 फिनिश निकाल चुके हैं, 7 यहाँ पर हाइड्रा डेंजर का मिलता हुआ। देखिए हाइड्रा डेंजर उतना ज्यादा अभी एग्रेसिव नेचर नहीं दिखा रहे, उनको पता है यहाँ पर उनका सपोर्ट की बहुत जरूरत है, एग्रेशन के लिए एस पावर यहाँ पर इनफ है, तो वेट कर रहे हैं। बात कीजिए यहाँ पर इनकॉग्निटो के, वेट कर रहे हैं यहाँ पर एंड लेट्स सी अगर वो आगे नहीं जाएगी, अगर वहां पर वैम्पायर का साथ नहीं देंगे वो इस तरह से, अगर थोड़ा सा बैक साइड से वो खेलते नजर आएंगे तो ज्यादा फायदा मिल पाएगा। एस पावर वर्सेस यहाँ पर इनकॉग्निटो मिलता है और एस पावर को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन उसी वक्त ही डेंजर भी यहाँ पर आ जाएंगे और शायद उनका फिनिश भी निकालते हुए, लेकिन जी नहीं दोनों को डाउन करो 1v2। वाओ बिल्कुल काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 1v2 करते हुए नजर आ रहे हैं प्लेयर्स और काफी शानदार फाइट यहाँ निकाली जा रही है। वैम्पायर अपने आप को पीछे रखेंगे, सामने से 2 प्लेयर पर उसके बावजूद 1 प्लेयर को नॉक करने में, 1 प्लेयर को फिनिश करने में कामयाब और उनके टीममेट ने इंस्टेंटली ट्रेड यहाँ पर निकाल लिया है। तो अभी भी 8 पॉइंट्स की बढ़त यहाँ रहेगी टीम डेंजर के पास, सामने स्पॉट करेंगे वैम्पायर ओपी को बट उनके टीममेट के द्वारा एक सही समय पर काउंटर स्प्रे यहाँ निकल कर आएगा क्योंकि डाउन करने में कामयाब रहेगा।
बैक टू बैक आगे बढ़ रहे हैं। फाइसली की कोशिश है, एसपावर की तरफ से जो स्प्रेज आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डैमेज देने में कामयाब हो रहे हैं। जंप करेंगे और यहाँ पर डाउन करने में कामयाब रहेंगे। वहीं दूसरे प्लेयर, दूसरे टीममेट इंस्टेंटली आगे बढ़कर नजर आएंगे। इनकॉग्निटो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, प्ले लाइक इनकॉग्निटो और हाइड्रा डेंजर नजर आ रहे हैं सामने। काफी बेहतरीन रिफ्लेक्स, काफी बेहतरीन जिगल यहाँ पर निकल कर आया है डेंजर की तरफ से। और अब जो ये मुकाबला है ये अलग ही लेवल का जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो लीड है इसे कवर अप कर पाना लगातार डिफिकल्ट पर डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि लीड बढ़ती ही चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अब इस तरीके से अगर आगे चलता चला गया ये मैच तो शायद यहाँ सारे के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लग तो रहा है अभी तक का, देखिए जो स्कोर रहा है वो है अभी तक 27 बोल सकते हैं 40-23 का, 17 अंक का वहां पर डिफरेंस है, और अब 9 अंक और चाहिए 40 का आंकड़ा छूने के लिए। क्या इनकॉग्निटो की जो टीम है उसको थोड़ा सा कम कर पाएगी? कोशिश तो है यहाँ पर एफएनएलएस को, वो साथ नहीं मिल पा रहा वहां पर वैम्पायर का, लेकिन यहाँ पर इससे पहले इनकॉग्निटो ने करके दिखाया। यहाँ पर 1v2 डेंजर आगे बढ़ेंगे, प्री फायर देंगे वहां पर, एंड एक्यूरेसी देखिए उनके एक्यूरेट फायर जो यहाँ पर जाते हैं, शायद अगर उसी वक्त वो क्राउच या फिर प्रोन हो जाते, लेकिन वैम्पायर को शायद कॉल आउट पहले से मिल चुका था तरफ से कि उनकी एचपी काफी ड्रेन आउट हो चुकी है। यहाँ बिल्कुल काफी शानदार यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, और एक बढ़िया ड्रॉप शॉट एस पावर यहाँ पर इतनी कम एचपी के साथ नजर आ रहे थे, स्टिल यहाँ पर वो फिनिश निकालने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर देखने को मिल रहे हैं, उनकी टीम यहाँ अब मुश्किलों में नजर आ रही है। 18-35 का ये स्कोर बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का डोमिनेशन यहाँ हमें नजर आ रहा है। और 3:40 का मैच अभी भी बचा है, जिसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स और चाहिए 40 का आंकड़ा छूने के लिए। तो सबसे जल्दी अगर कोई टीम कोई मैच यहां पर फिनिश होगा तो वो ये मैच रहने वाला है। और अब जो लीड है वो लीड के मामले में भी सबसे आगे यहां पर नजर आएगी ये डेंजर इनकॉग्निटो की फाइट, क्योंकि देखे यहां पर मेरा मैच तो कमजोर है बट उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा है इनकी लीड, काफी ज्यादा है। दो ही मात्र अब यहाँ पर चाहिए उनको, और अब एक ही अंक यहाँ पर चाहिए होगा, चांसेस है कि 21 अंक का, अभी 20 पॉइंट है, और फाइनली 21 अंक के इस 21 अंक के डिफरेंस के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करेगी टीम डेंजर की टीम। और एस पावर का तो क्या ही धमाकेदार परफॉर्मेंस, एक तरीके से अगर बोल जाएंगे ना प्लेयर ऑफ द मैच अगर इंटायर आज के डे का अगर देना चाहे तो बिल्कुल इस खिलाड़ी को दे सकते हैं, 27 फिनिश के साथ आपको नजर आएंगे। वहां से अगर बात की जाए मैच और टीम एमवीपी बनते हुए नजर आए एफएनएस के वैम्पायर एंड इनकॉग्निटो की तारीफ करना जरूर चाहूंगा जब उनने 1v2 करके दिखाया था। बेशक एक देखिए यहाँ पर हमें लग रहा था वहां पर टीम यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आई, लेकिन कोशिश के द्वारा अच्छी काफी की गई थी, 7-5 का जो स्कोर तक वो लेकर आए थे काफी अच्छा लगा था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़त लेते हुए नजर आए थे, लेकिन कोशिश की गई थी उस डिफरेंस को कम करने की। बट एक बार जब वो स्टार्ट हो गए थे एस पावर एंड डेंजर का, वो स्टार्ट बोल सकते हैं, वो फिनिश निकालना, फिर तो रुकने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, रुकने का नाम ही नहीं लिया। और अब मुझे नहीं लगता है गेम्सो की कोई भी टीम इस जो ये जो लीड का जो हम ले रहे थे रैंकिंग, इस लीड को अब कोई तोड़ पाएगी। अब यहाँ मुश्किल ही लग रहा है, 21 पॉइंट्स, एक नेक्स्ट लेवल डोमिनेशन यहाँ देखने को मिला है